सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आपको कुछ इस तरह से आपके नोटिफिकेशन बार में शो करता है नो सर्विस, आपके जो एयरटेल के सिम में नेटवर्क नहीं आते हैं, सिर्फ यहाँ पर नो सर्विस शो करता है आपके नोटिफिकेशन बार में, तो आज की यहाँ पर यह प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 ऐसे सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिनसे आप जो है यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो जिनका ट्राई करके। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो। मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं इसीलिए इस पर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। मैंने कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया मैं आज आपको वही बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं मैं क्या करना होगा इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना जो है फोन को जो है यहाँ पर बंद करके फिर से ऑन कर लेना है, और बंद करके ऑन करके आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी ना हो तो फोन को जो है एक बार एरोप्लेन मोड पर डालकर फिर से जो है यहाँ पर ऑफ कर दें एरोप्लेन मोड को, ये काम कर लेना है आपको अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो गाइज। उसके बाद जो है सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद गाइज आप यहाँ पर जो है मोबाइल सेटिंग्स दिख रही है आपको, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद जो अपनी एयरटेल की सिम आपको दिख रही है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एयरटेल की सिम का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप और मोबाइल नेटवर्क, आपको मोबाइल नेटवर्क को एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क है दोस्तों, यहाँ पर ऑन है, अब आपको करना क्या है इसको ऑफ कर देना है और यहाँ पर जो है मैनुअली अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम मैनुअली नेटवर्क को सर्च करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं सर्चिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है अपना एयरटेल का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, आपके सामने ही जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको सर्च होने देंगे गाइज, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना होगा। अगर आपको जो है नेटवर्क से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक कोड बताऊंगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइज। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको नेटवर्क को सर्च होने देते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल 4G आ चुका है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपने जो भी सिम होगा उसका जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एयरटेल है मेरी सिम, मैं एयरटेल के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नेटवर्क एयरटेल 4G पर सिलेक्ट कर देता हूँ और जो मेरा नेटवर्क है उसी टाइम पर आ जाएगा गाइज। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैनुअली नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर एयरटेल 2G है, आपको ये सर्च सिलेक्ट नहीं करना है, आपको एयरटेल 4G ही करना है, आपके पास 4G सिम है तो। उसके बाद जो है बैक आ जाना है गाइज, बैक आने के बाद एक और मैं आपको कोड बता देता हूं, अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपके नेटवर्क कम आते हो या फिर आपके टावर ही ना आते हो बिल्कुल ही। यहां पर मेरे पास MI का मोबाइल है तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना होगा, कौन से कोड का यूज करना होगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर देख सकते हैं कोई भी सिम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस कोड का यूज करना है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और यहां पर मैं MI के मोबाइल के लिए ये कोड बता रहा हूँ गाइज, याद रखिए यहाँ पर *#*#, आपको ये लिखना है 4636 *##, ये जो कोड है दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो है फिर से लास्ट में आपको स्टार टैप करना है। यहाँ पर इतना करने के बाद आपकी जो भी सिम होगी जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहे, 1 है या 2 है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कर लीजिए 1 है तो मैं 1 कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, अब यहाँ पर मोबाइल रेडियो पावर होगा, आपको जो है यहाँ पर ऑन है तो इसको ऑफ करना है एक बार। यहाँ पर ऊपर देखिएगा नेटवर्क है अभी, बट यहाँ से चले गए हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क मैंने ऑफ किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क चले गए हैं। अब आपको एक और काम करना है गाइज, इसको ऑफ करने के बाद फिर से ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपके नेटवर्क जो है रिफ्रेश होकर फिर से आ जाएंगे, ठीक है, आपको ये काम जरूर से कर लेना है। यहाँ तक देख सकते हैं नेटवर्क चले गए थे, मैंने ऑन किया, फिर से आ चुके हैं, आपको ये काम कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा गाइज रिफ्रेश करने पर भी, ठीक है। आप ये काम करना है आपको, बस आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपके टावर भी आ जाएंगे। अगर आपके टावर नहीं या फिर नेटवर्क जो आपका स्लो आता है, 1-2 टावर ही आता है, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।